ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हो मैंने सारा निकाल लिया है, ठीक है। इसमें से मैं कुछ सेल भी कर दूंगा जो कि रखने वाले नहीं हैं, जो थोड़ा आप देख सकते हो उसमें एक आध, जैसे कि ये पीला वाला, ये पीछे इसके पर नहीं है, और जिसके पर आ रहे होते हैं मैं उनको रोक लेता हूँ ताकि उनके पर आ जाएँ, ठीक है। तो ये माल है, इसमें से जो अच्छे अच्छे हैं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और मैंने फाइनली अपना एक केज ले लिया है क्योंकि यहाँ पट्टे ज़्यादा हो गए थे, आप देख सकते हो ज़्यादा रखे हुए यहाँ पर मैंने, तो फिर मैंने एक आयरन केज ले लिया है, ठीक है, यूज़ में लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसमें से अभी पट्टे निकाल लेता हूँ, वो मैं छन्ना, येरा येरा छन्ना, तो उसमें से पट्टे और इसमें मैं जो जोड़े लगे हुए हैं अंडी लगा के वो उसमें छोड़ दूँगा, ठीक है। तो उससे ये हो जाएगा कि अपना यहाँ ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और पट्टे एक जगह हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं जब मैं इनको निकालता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हो मैंने सारा निकाल लिया है, ठीक है। इसमें से मैं कुछ सेल भी कर दूँगा जो कि रखने वाले नहीं हैं, जो थोड़ा आप देख सकते हो उसमें एक आध, जैसे कि ये पीला वाला, ये पीछे इसके पर नहीं है, और जिसके पर आ रहे होते हैं मैं उनको रोक लेता हूँ ताकि उनके पर आ जाएं, ठीक है। तो ये माल है, इसमें से जो अच्छे अच्छे हैं वो मैं रोक लूँगा और जो देने वाले मैं दे दूँगा। पट्टे अलग जमा कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये बॉक्स खाली कर दिया, इसमें एक पेयर मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पेयर इनका बन गया था, तो यहीं से अपडेट करेंगे, ये भी पेयर बना हुआ। और यहाँ पर नीचे से एक पेयर निकाल के, क्योंकि यहाँ दो हैं जगह नहीं थी, तो एक पेयर यहाँ ला के यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। तो चलो नीचे चलते हैं, वो अभी मैंने जो आयरन केज लिया वो नीचे रखा हुआ, इंशाल्लाह थोड़ा दिनों ऊपर ले आऊँगा, मे बी आफ्टर ईद। तो चलते हैं, ओके व्यूअर्स, ये मैं नीचे आ चुका हूँ, ये मैंने पिंजरा लिया है, आप देख सकते हो यूज़ में मैंने ले लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बर्ड्स इसमें मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और अभी ये मेरे नीचे वाले फ्लोर पर मैंने रखा हुआ है क्योंकि अभी रमज़ान है तो मुझे लेबर मिल नहीं रही, भारी पिंजरा है तो छत पे चढ़ाना थोड़ा इंशाल्लाह, तो अभी बंदा नहीं मिल रहा मुझे, इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसको चढ़ा दूँगा। तो ये पिंजरा आपको फिर ऊपर दिखाई देगा छत पर जहाँ मेरा बाकी सेटअप है, तो पर इन इंशाल्लाह मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। आप देखिए, और आप देखो तो ये जो आप मादा है, आप इसको देखो, इसके पर पे खून लगा हुआ है, देखो ये ज़ख्मी हुई है, नर यार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये जल्दी मादा को ब्रीड पे लाना चाहता है। तो अब इसका बच्चा छोटा है तो मैं एक को रहने देता हूँ और दो को निकाल लेता हूँ क्योंकि वो दाना भी उठा रहे हैं, तो चलिए इसको निकालते हैं। वैसे तो इस परिंदे को दो दिन और छोड़ना चाहिए था अंदर, लेकिन अब क्या करूं, थोड़ा मरहला ऐसा चल रहा है कि इससे पहले यार मादा या नर मार दें बच्चों को, आप निकाल लो अगर वो दाना उठा देंगे, तो मैं इसको डाल देता हूं। ये जा चुके हैं, आप देख सकते हो इन दो को मैंने निकाल लिया है, ये मैं नीचे सबके साथ छोड़ दूंगा जाकर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा, तो ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हो कि मैंने सारे बर्ड्स डाल दिए हैं, ठीक है। इनका मैंने बाजरा वगैरह पानी वगैरह भी कर दिया है, और अभी ये बड़े खामोश और सहमे से बैठे हुए हैं क्योंकि इनके लिए बिल्कुल नई जगह है। और इसमें से जो आप देख रहे हो बजरी हरा माल बहुत निकला है इस बार, तो मैं इसको सेल करूँगा, और कुछ जो बर्ड्स हैं जो जिनकी ब्रीड मुझे आगे लेनी है तो मैं इंशाल्लाह उसको रोक लूँगा, जैसे कि
अपना ये पीले कलर माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मुझे लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसकी ब्रिड में कलवाऊँगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सेल करके अपना फिशर वगैरह भी ले लूँ यार, तो उसका भी एक जुड़ा रख लूँ। चले तो खैर इंशाल्लाह ये मेरा यार सेटअप तो आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह जितने बर्ड्स आप अभी मेरे देख रहे हो इन्हीं बर्ड्स से मैं इंशाल्लाह आगे बर्ड्स बढ़ाऊँगा, तो आप देखना मैं किस तरीके से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना और अपना यार बहुत ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।